पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग हम आपको देने जा रहे हैं। लगातार बाबा आपको खेल समझिए और तमाम कार्यक्रमों के माध्यमों से राज्यसभा के तमाम जो उम्मीदवार हैं, राज्यसभा सीट कैसे चुनाव होगा और कौन कौन दल से कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, इसके बारे में आपको बताया है। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि राज्यसभा में कहीं ना कहीं पेच फंसने वाला है। आज बाबा से जानिए कार्यक्रम में हम ये जानेंगे कि आखिर खेल अभी भी बाकी है राज्यसभा के लिए, तेजस्वी के करीबी का नाम आते फंस गया पेच। बाबा से पूछते हैं कि आखिर बाबा राज्यसभा में तेजस्वी के करीबी का नाम आते कैसे फंस गया पेच। बाबा देखिए सागर, सीधी सी बात है कि ये कोई नया मामला नहीं है जी। आपको याद होगा कि इससे पहले भी लालू परिवार में बहुत सारे झमेले, बहुत सारे मामले हुए हैं। परिवार के भीतर जो जिस तरह की बातें चली हैं, परिवार अलग होने तक की बात हो गई थी, हिस्सेदारी तक की बात हो गई थी, और ऐसे स्थिति में आप समझ सकते हैं कि वो मामला अभी तक दबा नहीं है। एक तरफ यहाँ लालू परिवार के अधिकांश सदस्य किसी न किसी मामले में फंसे हुए हैं, वहीं एक शख्स जो 24 घंटे तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं, कहा तो यहां तक जाता है कि यही वो शख्स है जिसके कारण तेजस्वी यादव अक्सर फैसले लेने में पिछड़ जाते हैं। अच्छा है कि जिस तरह से पूरी तरह से तेजस्वी यादव को साये की तरह रहते हैं उनके साथ और उनको चारों तरफ से घेर करके रखते हैं जी। संजय यादव इनका नाम है जिनको लेकर के कई तरह की बातें होती है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी दो लोगों का नाम लेकर के तेज प्रताप यादव ने भारी बवाल किया था। तेज प्रताप ने तो बाबा इनके खिलाफ ट्वीट भी किया था, बहुत सारी बातें कहा था उन्होंने, साफ कहा था कि मेरे भाई से मिलने नहीं देता है जी। ये सारी बवाल हुए थे, सारे झमेले हुए थे। इसके बाद आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव अपने सरकारी बंगले पे चले गए थे, जो लगातार अपनी माँ के बंगले पर साथ में रहा करते थे। ये सारी चीजें देखी गई हैं, लेकिन अभी तक मान परिस्थिति बनी है, तब तक ये मामला था कि वो उनका व्यक्तिगत बात थी, लेकिन अब पार्टी स्तर की बात हो गई है और एक टू जेड की पार्टी कहने के बाद परिवार और मित्र को छोड़ करके आप आम कार्यकर्ता की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी। और ये फैसला तेजस्वी करें किए हैं कि नहीं किए हैं, ये फैसला संजय भी ले सकते हैं, क्योंकि सारे फैसले तेजस्वी यादव के संजय ही लेते हैं जी। तेजस्वी यादव से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा जी, ये बातें तय करते हैं संजय। तेजस्वी यादव कौन से विभाग में रहेंगे, उनके विभाग में कौन मंत्री होगा, कौन उनके टीम से क्या करेगा, पूरी मैंने तैयारी जो है पूरा रणनीति वही बनाते हैं जी। इन सारी बातों को लेकर के, हालांकि ये बातें हम शुरू से कहते आ रहे हैं, एक नाम के बारे में हम लोग जब चर्चा चल रही थी कि 33 सीटें दोनों खेमे में जाएंगी जी, आंकड़े हैं उसके आधार पर 35 विधायक चाहिए एक सीट के लिए जी। ये सारा सब कुछ हमने कर दिया था। उसके बाद आपने हमसे सवाल भी पूछा था कि जो 23 विधायक बचेंगे वो क्या होगा जी। हमने जी। कहा था कि ये अभी पेच है, उनका कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर गठबंधन कोई चाह दे तो बहुत कुछ हो सकता है जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको याद होगा कि एक नाम हमने खोज करके निकाला था दीपांकर भट्टाचार्य का जी, जिनके पास 16 विधायक हैं जी। तो ऐसी स्थिति में उनके विधायकों के बिना वो तीसरा सीट पार नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल, अखिलेश सिंह के नैया वही पार कराएंगे। बिल्कुल, तो पहली बात तो यह है कि अखिलेश सिंह की बात आप कर लीजिए। दूसरी बात यह कर लीजिए कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के भीतर जिस तरह से बहुमत साबित करने के समय में 3 लोग टूट करके आए हैं और उनकी नाराजगी का कारण आपको पता है जी, उनकी नाराजगी में कहीं ना कहीं संजय यादव के अभी नाम बड़ा है जी जी। क्योंकि जब ये सारे लोग वहां से बाहर आए थे, आपको याद होगा कि बंटू सिंह जो बहुत करीबी हुआ करते थे अनंत सिंह के, जिनके साथ जिस तरह से इन लोगों ने निकाल बाहर किया, उनको प्रवक्ता के पद से हटाया अपनी कुर्सी के लिए, और इसमें फैसला कहा जाता है कि संजय यादव का ही था जी। उसके बाद से भी बहुत सारी बातें निकल करके आई है। अब चलिए हम बताते हैं आपको कि राजद के विधायकों में सबसे पहले यही से हम शुरुआत करते हैं कि रोष क्यों है। तो राजद के विधायक इस बार भी राज्यसभा में अफाक अहमद करीम को बेटिकट किए जाने से नाराज है। हिना साहब वाला मामला आपको पता है कि हिना साहब को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही थी, कहा जाता है संबंधों में सुधार हो गया है। यानी सीधी सी बात आप समझिए कि ये मामला कहां जा रहा है, आप समझ लीजिए ये अल्पसंख्यक के तरफ मामला को टर्न किया जा रहा है। अच्छा। ये बहुत बड़ा राजनीतिक
कहा जा रहा है कि टर्निंग प्वाइंट हो सकता है राजद के लिए, क्योंकि राजद MY समीकरण की पार्टी है, तो उसमें खास करके इस मुस्लिम समाज का मुखर हो जाना कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें कह रहा है। इनमें सीधी सी बात है कि आपको याद होगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम को भी लेकर के कई बातें की जा रही थी। इसके अलावा भी कई मुस्लिम नेता हैं जो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के लोग राज्यसभा जाने के लिए क्या उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। क्या संजय यादव जैसा व्यक्ति जो हरियाणा का रहने वाला है, सिर्फ तेजस्वी यादव का दोस्त है, इसके नाते उसको राज्यसभा जाना चाहिए? इन बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि यह पूरा का पूरा मामला फंसा हुआ है। जी, इस बात को भी आप मान के चलिए कि जो बहुमत साबित हुआ है, उस बहुमत में अगर आंकड़ों की बात करें हम सागर जी, जो कि समझना भारत लाइव के दर्शकों को बहुत जरूरी है। इससे पहले मेरा प्रश्न है बाबा, क्या बाबा तेजस्वी ने जो दो धोखा खाया, अपने विधायकों से भी धोखा खाए और फिर देखे कि लगातार वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, धोखा खाए वहां पर भी धोखा खाए जी, तो क्या इसीलिए विश्वासी लोगों को चुनकर राज्यसभा भेजा गया बाबा? और रामबली चंद्रवंशी ने भी इनको धोखा दिया था। देखिए, किसी ने धोखा नहीं दिया। सीधी सी बात है कि आप राजनीति में क्यों आते हैं, महत्वाकांक्षा आपकी क्यों है? तेजस्वी की महत्वाकांक्षा थी तभी तो उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किए। जी जी, उनको अपने पार्टी को बचाने की महत्वाकांक्षा थी, अपने लोगों को मंत्रालय देने की महत्वाकांक्षा थी। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि सब कमाने के लिए आया था। तो ये सारी महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं आप में है, तो क्या आपके लोगों में होता है तो गलत हो गया? अगर नीतीश कुमार इतनी बार पलटते हैं जिसके कारण उनको एक नाम ही दे दिया गया है, जो अक्सर कहा जाता है, आपने देखा सदन में भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई, संजय सिंह ने, माफ कीजिएगा, सुनील सिंह ने जिस तरह से पूरा हंगामा किया जी, ये सारी बातें लोगों ने देखी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये फैसला लिया गया, उस फैसले में अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आप समझिए कि NDA ने बहुमत साबित किया है, उसके साथ पास कितने विधायक थे, 130 विधायक थे जी, यानी कि अपने 3 उम्मीदवार को सीधे भेज सकता है और इसके अलावा NDA के 25 विधायकों का वोट बच हुए रह जाएगा। 25 विधायक उसके पास और बच जाएंगे, बचे रह जाएंगे 105, 35 में जोड़ लीजिए 105 विधायक होते हैं, 25 विधायक उसके पास बच जाएंगे, बाकी 10 विधायकों की उसको जरूरत होगी। ऐसे सातवां कैंडिडेट को राज्यसभा भेजने के लिए NDA को मात्र 10 विधायकों की जरूरत होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही जो कोषाध्यक्ष हैं प्रदेश के, राकेश तिवारी जी, वो मैदान में कूद गए हैं। उनका और भी परिचय है कि वो क्रिकेट बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं। राकेश के नाम नामांकन की प्रक्रिया अभी नहीं पूरी हुई है, लेकिन उन्होंने जब ADR कटा लिया है, 10,000 रुपया जमा कर दिया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट डाल दिया है, तो ऐसी स्थिति में वो नामांकन करेंगे, ऐसी बातें कही जा रही है। और इसमें सारी सेटिंग जो है इंटरनली हो रही है। जब आप सोचिए कि विधायकों को खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा सकता है, तो क्या एक राज्यसभा की सीट पर अपनी सुपरमेसी साबित करने के लिए और एक सीट राज्यसभा की छीनने के लिए महागठबंधन से, क्या इसके लिए खेल नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब इन NDA के 25 के अलावा 10 विधायकों का जुगाड़ करना होगा। महागठबंधन की तरफ से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, इन्हें भी 105 सीट चाहिए, जबकि इनके पास 112 हैं, जिसमें से आप समझिए कि कांग्रेस के भी विधायक हैं, अखिलेश सिंह को दोबारा जाने को लेकर के भी भले ही कोई मुखर होकर के नहीं बोले, लेकिन उनकी पार्टी के भीतर भी इसको लेकर के आक्रोश है। अच्छा, तो आप समझिए कि क्रॉस वोटिंग का जहां तक सवाल आएगा और सातवां उम्मीदवार जब खड़ा होगा जी, तो जो कांग्रेस के विधायकों की बात की जा रही थी कि कांग्रेस के विधायक काफी संख्या में नाराज चल रहे हैं, वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, तो क्या ये 12-13 विधायक जिनके बारे में कहा जा रहा था, ये पाला नहीं बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आप समझिए कि मामला अटक सकता है। इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ जहां मनोज झा को लेकर के तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मनोज झा के बाद एक तरफ जहां उनको फिर से राज्यसभा भेजने को लेकर के, आप जानते हैं कि सवर्णों की स्थिति राष्ट्रीय जनता दल में क्या है, चाहे A to Z की पार्टी कह ले, लेकिन सवर्णों को आप सिर्फ सवर्णों को गाली देने के लिए रखते हैं, न कि उनको सम्मान देने के लिए। कई लोगों का नाम, मृत्युंजय तिवारी का नाम ले लीजिए, शिवानंद तिवारी का नाम ले लीजिए, ये सारे लोग करते क्या है वहां, सिर्फ गाली देने का काम करते हैं सवर्णों को।
इसी के लिए इन लोगों को ठेका पे रखा हुआ है जी। बस ठेका पर के आदमी का आपको पता ही है कि क्या होता है जी, बिल्कुल। जो कमीशन है वही आपको मिलना है, लेकिन वो भी कमीशन फुल नहीं मिलता है। अब ऐसी स्थिति में मनोज झा को दोबारा भेजने का फैसला, दूसरी सीट पर संजय यादव को उम्मीदवार बनाना, इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं वैसे लोगों को दरकिनार करना, दीपांकर भट्टाचार्य का नाम आया, उसको लेकर के भी हमने पहले ही बताया था कि दीपांकर भट्टाचार्य को लेकर के इस बार वामदल काफी एग्रेसिव है कि उन्हें भेजा जाना चाहिए जी। दो दिन पहले भी आपने देखा कि किस तरह दीपांकर भट्टाचार्य ने सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के पेंच फंसने और फंसाने की बात कही, उन्होंने सीधे मांग लिया कि हमको इतनी सीटें चाहिए। सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली है वो ये है कि MOI समीकरण इसमें ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा। आपने देखा होगा कि जिस तरह से सदन में एक अल्पसंख्यक समाज के ही खालिद अनवर ने जिन बातों को उठाया और जिन जिस तरह की बातों को उन्होंने रखा, उन्होंने इशारों इशारों में भले ही ये कहा हो कि उनके खेमे के दबंग जो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, साहबुद्दीन जो उनके लिए मैनेजमेंट किया करते थे, उनके परिवार को छोड़ दिया। इसका मतलब है कि सीधा कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के लोग किसी भी पक्ष में हो, उनको अब अपने हक को की लड़ाई के लिए आगे आना होगा और आ भी गए हैं जी। इसको लेकर के खासकर ये देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले जिस तरह से हिना साहब का नाम आ रहा था, अब्दुल बारी सिद्दीकी का आ रहा था, और भी कई नेता हैं जिनका नाम आ रहा था, तो इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें संजय यादव के नाम को लेकर के मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे भी आपको पता है कि मात्र 10 वोटों की जरूरत है और यह वोट का जुगाड़ भारतीय जनता पार्टी कर ले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। राज्यसभा में भी एक बार फिर से खेल शुरू हो चुका है और ये खेल कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को पूरी तरह से परेशान करने वाला लग रहा है। खेल अभी भी बाकी है, ये आप कह सकते हैं कि राज्यसभा के लिए तेजस्वी के करीबी का नाम आते ही ये पूरा का पूरा मामला फंस गया है। इसी का इंतजार हो रहा था और शायद यही वो बात है जिसके लिए हम बार बार बता रहे थे कि एक व्यक्ति तो क्लियर है कि मनोज झा जाएंगे, दूसरे व्यक्ति का नाम काफी चौंकाने वाला होगा और यहां से बवाल शुरू हो सकता है। ये बात हमने पहले भी कहा था क्योंकि एक नाम तो साफ नजर आ रहा है लेकिन दूसरा नाम राष्ट्रीय जनता दल अक्सर चौंकाने वाला या फिर ऐसे कोई पूंजीपति का करती है जो पार्टी के फंड में पैसा अच्छा खासा खर्च कर सके और पार्टी को स्टैंड दे सके। इस बार संजय यादव का नाम आया है और संजय यादव को लेकर के भी आपको पता है कि ED, CBI सब इनके पीछे भी लगी हुई है। कहा जाता है कि संपत्ति का मैनेजमेंट जो है वो तेजस्वी यादव का ये करते हैं। अब ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि कई जांच में ये बातें सामने आई हैं कि संजय यादव ही हैं। संजय यादव को भी आपको याद होगा कि ईडी और सीबीआई ने बुलाया था पूछताछ के लिए। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं निकल के आ रही है कि समाजवादी कहने वाले, लालू प्रसाद को सभी के साथ चलने वाले, इन सारी बातों को लेकर के सामाजिक समीकरण का ताना बाना बुनने वाले कहने के बाद भी अगर घर परिवार और दोस्तों को ही राज्यसभा या अन्य सीटें दी जाएंगी तो बाकी के लोग सिर्फ झोला ढोने के लिए है। और आगे आप समझ लीजिए कि खास करके अल्पसंख्यक समाज अब झोला ढोलने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने लिए विकल्पों की तलाश कर रहा है और ये विकल्प राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके कोई भी हो सकता है। एक प्रश्न है मेरा बाबा जी, कि क्या ये जो सातवां उम्मीदवार अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर NDA गठबंधन अपने पक्ष में कर लेता है, अगर इनके उम्मीदवार निकल जाते हैं तो संकट किस उम्मीदवार पे संकट ज्यादा गहरा या हुआ आपको लग रहा है, किस पे संकट आ सकता है, अखिलेश सिंह पे या फिर संजय यादव पर? देखिए सीधी सी बात है कि अगर अखिलेश सिंह पे संकट आता है, ज्यादा मामला तो अखिलेश सिंह का ही फंस रहा है क्योंकि उनके वोटों के लिए मामला अटक रहा है। अच्छा, क्योंकि लेकिन एक बात और आप समझिए जी, 70 विधायकों की जरूरत है जी, ठीक है ना, दो सीट जीतने के लिए 70 विधायकों की जरूरत है और इधर 10 विधायकों की जरूरत है जी, तो 9 विधायक जो हैं वो सीधे नजर आ रहे हैं कि 10 विधायकों में अगर 79 में से 10 विधायक उधर से गायब हो जाते हैं तो एक सीट की कमी हो जाती है। अच्छा, RJD के आंकड़ों की मैं बात बता रहा हूं, उनके पास 79 है जी और 70 विधायकों की उनको जरूरत है जी, तो यानी कि उनके पास 9 विधायक ही ज्यादा हैं जी। अगर उसमें सेंधमारी हो जाती है, जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार टूट, जैसे राष्ट्रीय जनता दल में 3 विधायक तो पहले ही से टूट गए जी, तो 3 की संख्या घट गई तो उनके पास बचा कितना,
अब बच गया 76 जी, मात्र 6 विधायक उनके ज्यादा हैं विधायक, और इनमें से अगर 10 विधायकों को तोड़ लेती है भारतीय जनता पार्टी या 10 विधायक इस बात से नाराज होकर के भाजपा या जदयू की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है कि वो 7वां उम्मीदवार जो है वो जीतने के कगार पे होगा और महागठबंधन को एक विधायक की कमी नजर आएगी। अगर वाम दल और कांग्रेस के बीच कोई समझौता हो जाता है तो अखिलेश निकल सकते हैं, लेकिन संजय झा के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल क्या करेगी आप समझ सकते हैं। बिल्कुल चलिए देखिए बाबा से जानिए कार्यक्रम में, बाबा ने फिर से आपको सब कुछ बता दिया है। राज्यसभा की जो सीटें थी, राज्यसभा के जो चुनाव थे उस पर हमारी नजर शुरू से ही थी और लगातार जो जो उम्मीदवार हम लोगों ने बताए लगभग 70% से अधिक वही उम्मीदवार हुए जो भारत लाइव पहले से बताते आ रहा है। और देखिए 7वें उम्मीदवार की चर्चा हम पहले से ही करते आ रहे थे और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को हालांकि नामांकन उन्होंने नहीं किया है, लेकिन आज लग रहा है आज ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो नामांकन कर सकते हैं और जैसे ही वो नामांकन करेंगे 7वें सीट को लेकर पूरा पेच फंस जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।